नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। देश के सभी लोगों ने दुआएं मांगी और विदेश से मशीनें मंगवाई गई। उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्होंने दूसरों की बुराई करने का मन ही बना लिया हो, उन्हें कभी अच्छाई दिख ही नहीं सकती है। यही हाल है विपक्षी पार्टियों का, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि वो बीजेपी सरकारों की किसी भी चीज़ की तारीफ नहीं करेगी, चाहे वो देश के लिए किया गया काम हो या फिर किसी की ज़िंदगी बचाने का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में बुराई ही नज़र आती है। एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसके बाद उनकी चारों तरफ थू थू हो रही है और कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी और पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों है विपक्षी पार्टियों को। कोई भी अच्छाई उनको दिखती ही नहीं है। क्या है पूरा मामला और कैसे विपक्षी पार्टियों ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। विपक्षी पार्टियों की शर्मनाक हरकत, आपदा में भी राजनीति से नहीं आए बाज, पीएम मोदी की तरक्की नहीं है बर्दाश्त, उत्तरकाशी की कामयाबी से विपक्ष को झटका। उत्तरकाशी में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सिल्कियारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। ऐसे देश के 140 करोड़ लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एनडीआरएफ की टीम और ऑपरेशन में लगी अन्य एजेंसियों की लगातार कोशिश से 41 जिंदगियों को बचाया जा सका। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नज़र थी। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ले रहे थे। श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं थे। विदेश से उपकरण मंगाए गए, अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट की सेवाएं ली गई। ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला। श्रमिकों को तुरंत मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तक तैयार किया गया था। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये भी रास नहीं आया। जब 41 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों को सिर्फ राजनीति की पड़ी थी। जब वो लोग टनल से बाहर निकल आए, फिर भी विपक्षी पार्टियों के मुंह से तारीफ के शब्द नहीं निकले। कांग्रेस और उसके सरपरस्तों का शर्मनाक चेहरा। पूरा देश श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए दुआएं कर रहा था, वहीं कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी नेता, दरबारी पत्रकार और उनके सरपरस्त घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। इस मुश्किल और संवेदनशील मामले में भी अपनी निम्न स्तरीय ओछी और गिद्ध राजनीति से बाज नहीं आ रहे थे। सोशल मीडिया में अपनी नफरत भरी और शर्मनाक ट्वीट से बता दिया कि उनकी इस ऑपरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आपदा को भी मजाक बनाकर उसमें अपना अवसर तलाश रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार की तरह ऑपरेशन की असफलता की कामना कर रहे थे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर गिद्ध राजनीति पर कर सके। इस आपदा में अपने लिए अवसर तलाशने और अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन करने वालों में सबसे पहले नंबर पर आती है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने ये दिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ वो किसी भी हाल में नहीं कर सकती है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे पता चलता है कि वो 17 दिन बाद सोकर उठी हो। नफरत की भावना ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी नज़र में श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए किए जा रहे प्रयास निरर्थक थे। सुप्रिया श्रीनेत उन पेशेवर रुदालियों की तरह है जो मातम के समय सिर्फ विलाप करने के लिए बुलाई जाती हैं। इस मुश्किल ऑपरेशन में भी कांग्रेस की प्रवक्ता विलाप कर रही थी। ऑपरेशन में महीनों लगने की बात कर वो सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों और उनके शुभचिंतकों में दहशत पैदा कर रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 17 दिन से इस देश के 41 लोग उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं, उस पर किसी का कोई खास ध्यान नहीं आया। प्रचार मंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, मीडिया बिना उनके कहां फटकने वाला था। फिर धीरे धीरे चार राज्यों में चुनाव प्रचार समापन की और आया और तब टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब बचाव के कार्य की कुछ बातें सुनाई देने लगी। गाजे बाजे के साथ मीडिया वहां पर ये दिखाने पहुंच गया कि बचाव का काम कैसे हो रहा है।
ये चर्चा नहीं हुई कि इस सुरंग की क्या वायबिलिटी है, कौन सी कंपनी बना रही है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या पहाड़ों में इस तरह के स्ट्रक्चर बनने चाहिए। एक साहब आए भी, उन्होंने कहा क्रिसमस तक का वक्त लग सकता है। बचाव अभियान के लिए इस्तेमाल की जा रही ऑगर मशीन के हिस्से टूटकर मलबे में धंस गए थे, जिसकी वजह से बचाव कार्य में रुकावट आ गई। अंत में जाकर भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह मद्रास सैपर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली है और अब मैनुअल ड्रिलिंग करके फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। सुना टनल के बाहर हलचलें बढ़ गई हैं। लगता है प्रचार थमने के बाद महामानव भी फ्री होकर पहुंचने वाले हैं। पुलिस ब्रीफिंग के साथ ही सड़क वगैरह भी समतल की जा रही है। वो सब हो रहा है जो ऑपरेशन खत्म होने से पहले होता है। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे और सब सही सलामत अपने घर वापस पहुंचे। लेकिन जब पूरे देश में दुआएं हो रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता अपना राजनीतिक राग अलाप रही थी। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहिब के दर्शन हो जाएं। इसके साथ ही कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो भी शेयर की गई जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टनल के बाहर पीएम मोदी का स्केच बनाया गया है और उनके हाथ में ग्रीन कलर का झंडा भी है, जैसे किसी योजना का उद्घाटन किया जा रहा हो। यानी कांग्रेस की बेशर्मी देखिए, 41 मजदूरों के निकलने की प्रार्थना करने के बजाय पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपको उन विपक्षी नेताओं, दरबारी पत्रकारों और सरपरस्तों का शर्मनाक चेहरा दिखाते हैं, जिसे देखकर हर भारतवासी का सिर शर्म से झुक जाता है। इस संवेदनशील मामले में भी जिस तरह उन्होंने गिद्ध राजनीति करने की कोशिश की, उसकी अपेक्षा एक जिम्मेदार नागरिक से नहीं की जा सकती। सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जो है, मैन अमन सिंह चीना का, जिसमें उन्होंने टनल के बाहर की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि गेस हु इज कमिंग टू द टनल, यानी अंदाजा लगाओ कि सुरंग में कौन आ रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी भरा ट्वीट अगला है, जिसे सुनकर आपको खुद गुस्सा आ जाएगा। दरअसल ये ट्वीट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड टनल आ रहे हैं? अगर हाँ तो क्या अडानी जी साथ होंगे क्या? ड्रिल करने वाली कंपनी उन्हीं की बताई जा रही है। ट्वीट से ही साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किस हद तक अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने साथ साथ कांग्रेस की भी भयंकर बेइज्जती करा दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अंशुल नाम के यूजर ने लिखा कि लगता है तुम्हारे और बाकी कांग्रेस नेताओं के दिमाग की नसों में दबाव जरूर से ज्यादा बढ़ गया है। अडानी ग्रुप कल ही ड्रिल कंपनी में किसी भी तरह की हिस्सेदारी की बकवास का खंडन प्रेस रिलीज द्वारा कर चुका है, पढ़ लेना। अब सोचिए, कांग्रेस के नेता बिना सिर पैर की बातों से पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी को बीच में घसीटा जा रहा था, लेकिन पहले ही अडानी ग्रुप ने इस पर साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक और यूजर ने मनीष सिंह नाम के, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कांग्रेस नेता को फटकार लगाई है और ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या बेशर्म हो सुरेंद्र, तुम मजदूरों के कुशल लौटने का तुमको खुशी नहीं है? क्या तुम वहां जी जान से काम करने वाले लोगों की सराहना के शब्द नहीं कह सकते? इतना ही नहीं, इससे कई ज्यादा कांग्रेस नेता को सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां अपने देश में आई मुसीबत के वक्त उस पर निशाना साधने में बिजी हों, तो आखिर उन पर जनता भरोसा करेगी? कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं।
जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से।